खैरुद्दीन पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध असला 315 बोर कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। पोखरी की ज़मीन पर जो अवैध कब्जा करके इसने मकान और बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस व राजस्व टीम की मौजूदगी में संपन्न कराई गई है। नमस्कार, बदले का भारत देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर संगीत घराने के युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। कल रात में तकरीबन 9 बजे पुलिस और जो मुख्य आरोपी है उसके भाई के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में जो आरोपी है उसके पैर में गोली लगती है। उसके बाद आजमगढ़ पुलिस ने उस हत्यारोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वो घायलावस्था में था, उसे अस्पताल जिला अस्पताल भेजा गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो इस तरह से पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है आदर्श मिश्रा हत्याकांड में, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। देर सवेर पुलिस कप्तान ने दावा किया है कि देर सवेर हम उसको भी पकड़ेंगे, तब जाके पूरी तरह से इस हत्याकांड का खुलासा होगा कि आखिर अपराधियों ने क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया है, अपने बयान में कहा है कि हमने जिस तरह से गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने की बात कही थी उसको अमल में लाते हुए जो अवैध अतिक्रमण था, अपराधियों द्वारा निर्मित किया गया था, बनाया गया था, पोखरी पाटी गई थी उस पर जो निर्माण किया गया था उसको बुलडोज किया गया है। कल प्रशासन की मौजूदगी में 2 जेसीबी मशीनों से जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको बुलडोज करके खत्म किया गया है और पुलिस ने कहा है कि पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक इस हत्याकांड का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हो जाता, खुलासा नहीं हो जाता और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक पुलिस की ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। आगे जो भी इस घटना से जुड़ी हुई अपडेट रहेगी हम आपको वो पहुंचाने की लगातार कोशिश करेंगे। ये बड़ी अपडेट निकल करके आई थी खैरुद्दीनपुर के पास में पुलिस से मुठभेड़ होती है रात में 9 बजे। पुलिस की 4 टीमें लगातार हत्यारों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं जिनमें से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 मुख्य रूप से आरोपी बनाए गए हैं जिसमें से जो मुख्य हत्यारा है जिसने आदर्श मिश्रा को गोली मारी थी सिर में, गोल्डी यादव, उसके भाई को आरोपी बनाया गया है। गोल्डी के साथ साथ 7 अन्य 2 लोग और शामिल हैं जिन्हें हत्यारोपी बनाया गया है। पुलिस लगातार अपनी टीम के माध्यम से दबिश दे रही है जगह जगह और इन हत्यारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्य हत्यारोपी जो है वो अभी भी पुलिस की पहुँच से बाहर है, लेकिन आजमगढ़ पुलिस कप्तान जो कहते हैं वो करते हैं उसके लिए वो मशहूर हैं। निसंदेह देर सवेर जरूर हत्यारे पकड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं जब हत्यारे पकड़े जाएंगे, जब उन्हें सजा मिलेगी तो कहीं ना कहीं आदर्श के जो पीड़ित परिजन हैं, आदर्श तो खैर अब नहीं रहे, जो युवा संगीतकार अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उसके परिवार वालों को ज़रूर राहत मिलेगी। ये आपको सुनाते हैं पुलिस कप्तान का बयान और देखते हैं कि मुठभेड़ के बाद उनका क्या कहना है। कल दिनांक 20 सितंबर को थाना कंदरापुर अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में घटित हत्या की घटना के संबंध में थाना कंदरापुर पर FIR नंबर 230/22, धारा 302, 323, 504, 506, 34 IPC व 7 CLAct सुशील यादव उर्फ गोल्डी, मोनू यादव व 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 21 तारीख को रात्रि लगभग 9 बजे नामजद अभियुक्त मोनू यादव, जो कि मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी का भाई है, इसको खैरुद्दीन पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध असला 315 बोर कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। घटना के संबंध में इससे विस्तृत पूछताछ पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ आज ही मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी के ग्राम हरिहरपुर स्थित पोखरी की जमीन पर जो अवैध कब्जा करके इसने मकान और बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस व राजस्व टीम की मौजूदगी में संपन्न कराई गई है। 3 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगातार दबिश में हैं। थाना कंदरापुर की टीम के द्वारा इस घटना की विवेचना की जा रही है। इसमें कठोर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और अन्य जो विधिक कठोर कार्रवाई है वो इनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी।